में 28 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश पर असर डालती हैं और इसीलिए तैयारी मध्य प्रदेश में भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, उस वक्त मैं भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर विशेष तैयारियां अब की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी को खासी उम्मीद है कि जीत का जश्न अब थोड़ी देर में यहां पर मनाया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले तैयारियां देखिए, आपकी मूर्तियों को साफ किया जा रहा है और उनके ऊपर माल्यार्पण भी अभी अभी किया गया है। यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, कुशाभाऊ ठाकरे की मूर्ति है, विजय राजे सिंधिया की मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां साफ की जा रही है और तैयारी जश्न की जा रही है। हार फूल माला और पटाखे का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, समर्थक भी आने शुरू होने ही वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी चुनाव में मध्य प्रदेश के कई नेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी और लगातार कैंप करके नेताओं ने वहां पर चुनाव प्रचार किया है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जो यूपी के कई इलाकों में उन्होंने प्रचार किया है, लगातार 40 से ज्यादा सभाएं की हैं, जनसंपर्क किया है, प्रचार बीजेपी के लिए किया है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने भी झांसी में मोर्चा संभाले हुए थे, वे यहाँ पे उद्योग मंत्री अरविंद भदौरिया को भी जिम्मेदारी दी गई थी। कई पूर्व विधायक, चाहे वो सुंदरलाल तिवारी हो या दूसरे नेता हो या ऐसे लोग जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूपी में है, रिश्तेदारी है या यूपी को भली भांति समझते हैं, या फिर सीमावर्ती इलाके जो मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश के 13 जिले 28 सीटें हैं, उन इलाकों के स्थानीय नेताओं को खास जिम्मेदारी यूपी की दी गई थी और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी खास हो जाता है ये चुनाव और इसका परिणाम, क्योंकि अगर परिणाम पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की भी प्लस मार्किंग होगी, उनके भी नंबर्स बढ़ेंगे जिन्होंने यूपी में प्रचार किया था, मोर्चा संभाला था। ऐसे करीब 400 बीजेपी नेताओं को जो 13 जिलों से संबंधित थे उनको कोऑर्डिनेटर बनाकर बीजेपी ने समवर्ती इलाकों में भेजा था और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी इन 13 जिलों से जो थे यूपी बॉर्डर की उस तरफ जाकर प्रचार का जिम्मा संभाले हुए थे। इसलिए मध्य प्रदेश की खास निगाहें, थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पहुंचेंगे, पल पल का अपडेट भी लेंगे, लेकिन जो रुझान अब से आने शुरू हुए हैं, बीजेपी एक सीट से आगे चल रही है और ये बीजेपी कल से ही जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।